जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है दोस्तों। आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो चार लोग हैं जो हमारे आसपास है, ये हमें बर्बाद कर सकते हैं, ये तकलीफ़ों में डाल सकते हैं और ये हमारे जीवन को एक कठिनाई भरे रास्तों पर धकेल सकते हैं। वो चार लोग कौन हैं? और हाँ, ये चार लोग हमारे आसपास ही होते हैं, इर्द गिर्द ही होते हैं, हमारे साथ ही जीवन जीते हैं और हम इनका शायद देख नहीं पाते, चुनाव नहीं कर पाते और ये लोग हमें तकलीफ़ों में और तकलीफ़ों में डालते जाते हैं। और बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, यही एक सकारात्मकता है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, पहली बात। दूसरी बात है कि आप इसी बड़ी परेशानी से बहुत आसानी तरीके से बाहर आ सकते हैं अगर इन चार लोगों से आप दूर रहते हैं। तो आज हम पूरे वीडियो में उन चार लोगों पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत काम के लोग हैं, मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है और ये जो चार लोग हैं ये आपको तकलीफ़ों में डाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करूँ और हमारी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि वो लोग कौन हैं जिनकी हम बात इस दरमियान कर रहे हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो लोगों को कर्ज की आदत है, मतलब जिन लोगों को कर्ज लेने की आदत है ना, ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये लोग अगर आपके पास कुछ भी धन दिखेगा तो उन्हें तुरंत आवश्यकता पड़ जाएगी। और ये लोग जो कर्ज लेने की जिनकी गलत आदत है ना, ये कभी भी उनकी आवश्यकताओं के लिए कर्ज नहीं लेते हैं, ये लोगों की तुलना करने के लिए, लोगों की बराबरी करने के लिए कर्ज लेकर फंस जाते हैं और बस उनकी एक आदत बन जाती है कि कर्ज लेना है, कुछ नहीं करना है। और ऐसे में होता है कि हम अगर उन लोगों के साथ रहते हैं और हमारा धन जो होता है हमारे पास, अगर इन्हें दिखाई दे जाता है कि इन्हें यहाँ से ये चीज़ मिली है या ये तमाम चीज़ें, तो उनको आवश्यकता पड़ जाती है, वो अपने रोना रोना शुरू कर देते हैं और इस बहाने हमारे पैसे भी चले जाते हैं और हमारा आर्थिक रूप से नुकसान हो जाता है। तो पहले इन लोगों से हमें दूरी रखना है। दूसरे वो लोग जो लोग नशा करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, क्योंकि जो नशा करते हैं, जिनको अपने शरीर के बारे में नहीं, अपने फैमिली के बारे में नहीं है, वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो जो लोग नशा करते हैं, ऐसे लोगों से हमें हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं दोस्तों, शायद आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये लोग आपके इर्द गिर्द हैं, इनसे सावधान रहें, बच के रहें। तीसरे वो लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो महिलाओं का अपमान करते हैं, जो महिलाओं को जिनका बात करने का तरीका नहीं है, जो महिलाओं को गलत निगाहों से देखते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं किसी न किसी दिन ये किसी भी तकलीफ में फंसेंगे क्योंकि इनका ईश्वर भी साथ नहीं देता है और ये साथ में हमें भी डुबो ले जाएंगे। ये तो डूबेंगे, हमें भी डुबो ले जाएंगे, हमारा चाहे कोई दोष नहीं है, हम सिर्फ इनके साथ थे। तो ये जो है इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चौथे वो लोग जो ईश्वर का जप नहीं करते, ईश्वर का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।